हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आगे का हम कोड करते हैं। हमने ये इमेज को तो डिस्प्ले कर दिया था, अब हमें प्राइस वगैरह भी डिस्प्ले करना है। तो मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, या फिर मैं एक नया कॉलम बना लेता हूँ। एक ही हमारा कॉलम यहाँ पे एंड हुआ, फोर साइज का, जिसमें इमेज है। अब एक और कॉलम आ जाएगा, फोर के बाद हमें एट साइज का बनाना चाहिए, क्योंकि टोटल तो 12 साइज होता है। अब ये जो एट साइज का कॉलम है, इसमें हमें सबसे पहले तो मैं डिस्प्ले कर देता हूँ जो भी प्रोडक्ट का टाइटल है उसको। तो इस लाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और अब मुझे यहाँ पे इमेज को यूज़ नहीं करना, आईएमजी टैग यूज़ नहीं करना। मैं चाहूँ तो पैराग्राफ या फिर हेडिंग टैग का यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं H2 टैग को यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर स्टाइल का यूज़ करके यहाँ पे हम सबसे पहले तो टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं। तो मैंने टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर, एंड कलर मैंने दे दिया रेड। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में मैंने लिखा कैपिटलाइज, मतलब पहला लेटर कैपिटल हो जाए सभी वर्ड्स का। H2 टैग को हम क्लोज करते हैं, और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का टाइटल डिस्प्ले करना है, जो कि वन पोजीशन पे है। 0 पोजीशन पे आईडी है और 1 पोजीशन पे टाइटल है। तो $1, इसको अब हम एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो आप देखोगे ये प्रोडक्ट का टाइटल आ गया। इस इमेज को भी हम सेंटर में कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं सेंटर टैग का यूज़ कर लेता हूँ। सेंटर ओपन कर लिया, सेंटर को क्लोज कर लिया, रिफ्रेश करके देखा। ओके, तो ये कुछ सेंटर में आ चुकी है। अब यहाँ पे आ गया टाइटल। टाइटल के बाद हमें प्राइस डिस्प्ले करना है, डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करना है, और एक बुक नाउ का ऑप्शन देना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे प्राइस डिस्प्ले करना है, तो मैं हेडिंग का ना यूज़ करके पैराग्राफ का यूज़ कर लेता हूँ। पैराग्राफ को ओपन क्लोज कर दिया, एंड पैराग्राफ के अंदर हमने यहाँ पे स्पान को यूज़ कर लेते हैं। ये सारा स्टाइल में यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं स्पान टेक का यूज़ करता हूँ। स्पान को ओपन कर लिया, स्पान को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं CSS अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने कलर दे दिया। यहाँ पे मुझे सिंगल कोट्स यूज़ करना पड़ेगा, तो मैंने कलर यहाँ पे दे दिया ब्लू। एंड उसके बाद मैं फॉन्ट का जो साइज है उसको इंक्रीज कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। तो मैंने फॉन्ट वेट का यूज़ किया, और फॉन्ट वेट को मैंने बोल्ड कर दिया। देन आफ्टर मैं यहाँ पे बता देता हूँ प्राइस। मैंने प्राइस लिखा इस तरीके से, और प्राइस हमारा किस पोजीशन पे है तो हम चेक कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 4 पोजीशन पे आप देख रहे हो प्राइस की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। सेव कर दिया, रिफ्रेश करके देखा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये प्राइस लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इसको भी हम पोजीशन वगैरह इसकी भी सेट करेंगे सबकी। तो प्राइस के बाद हम बता देते हैं डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास एक लॉगिन का ऑप्शन रहेगा, सॉरी बुक नाउ का ऑप्शन रहेगा, जिस पे क्लिक करके लॉगिन पेज को हम ओपन करवा देंगे।
तो यहाँ पे प्राइस के बाद में लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन का पोजीशन है प्राइस के बाद, प्राइस हमारा फोर पोजीशन पे था तो यहाँ पे ये फाइव आ जाएगा। एंड लास्ट में हमें एक यहाँ पे एंकर टेग यूज़ करना है, तो मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से हटा देता हूँ और इसकी जगह एंकर टेग को यूज़ कर लेता हूँ। एंकर टेग एच आर ई एफ में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया login.php। लॉगिन पेज पे हमें रिडायरेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे हमें गेट वेरिएबल पास कर देंगे, जो प्रोडक्ट है उसका आईडी में पास कर दूंगा। तो प्रोडक्ट का आईडी है जीरो पोजीशन पे, तो डॉलर रो जीरो लिख दिया। एंड उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे लिखा बुक नाउ। ठीक है, और यहाँ पे ये बटन के फॉर्म में डिस्प्ले हो जाए तो कुछ क्लासेस यूज़ कर लेंगे बूटस्ट्रैप की। तो मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर ली बटन, और उसके बाद बटन आउटलाइन। ठीक है, बटन आउटलाइन माइनस सक्सेस। ठीक है, सेव कर दिया, रिफ्रेश किया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये प्राइस आ गया, डिस्क्रिप्शन एंड ये बुक नाउ का ऑप्शन। ओके, अब ये बुक नाउ पे जब हम क्लिक करें तो हमारा लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये लॉगिन पेज ओपन हो गया। ओके, सो फ्रेंड्स, आगे का कोड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।